शून्य के समान, क्योंकि शिक्षक में उत्तम गुणों का अभाव है। शिक्षक में यदि उत्तम गुणों का अभाव है तो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और विषय, शिक्षण विधियाँ ये कितनी भी आकर्षक हो, ये शून्यता को प्राप्त होती है, ये शून्यता को प्राप्त होती है। साथ में ये है कि अध्यापक के चारों ओर शैक्षिक व्यवस्था घूमती है, अध्यापक के चारों ओर शिक्षण की व्यवस्था घूमती है। अतः शिक्षक एक धुरी के समान होता है। अतः शिक्षक क्या होता है? एक धुरी के समान होता है। नेक्स्ट है सेकंड है शिक्षक एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया। शिक्षण एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया। शिक्षण एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया होती है। कैसे होती है शिक्षण एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया? कि प्रत्येक विषय इस शिक्षण की प्रक्रिया, यानी कि प्रत्येक विषय की शिक्षण की प्रक्रिया अपना विशिष्ट स्थान रखती है। प्रत्येक विषय के शिक्षण की प्रक्रिया अपना विशिष्ट स्थान रखती है और ऐसे में शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो त्रिकोणात्मक होती है। ऐसे में जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो त्रिकोणात्मक होती है और जो शिक्षक होता है इस प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक केंद्र बिंदु होता है, इस यानी कि केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो त्रिकोणात्मक होती है और शिक्षक एक केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। शिक्षक क्या होता है? केंद्र बिंदु पर स्थित होता है और वहाँ से वो शिक्षक तो क्या है, केंद्र बिंदु पर स्थित होता है और जहाँ से वो छात्रों को, जहाँ से वो छात्रों को और साथ में पाठ्य पुस्तक, साथ में पाठ्य वस्तु, यानी कि पाठ्य वस्तु को, जहाँ से शिक्षक केंद्र बिंदु में स्थित होता है लेकिन जहाँ से वो छात्रों को और पाठ्यक्रम के पाठ्य वस्तु को दोनों धाराओं को संचालित करता है। यानी कि शिक्षण एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया इस प्रकार से होती है क्योंकि प्रत्येक विषय अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक विषय की शिक्षण प्रक्रिया अपना विशेष स्थान रखती है और शिक्षक इसका केंद्र बिंदु होता है। इसलिए यह त्रिकोणात्मक प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षक इसका केंद्र बिंदु होता है और जहाँ से वो छात्रों को और पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तुओं को दोनों धाराओं को संचालित करता है, दोनों धाराओं को अपने केंद्र बिंदु से वो संचालित करता है। इसलिए शिक्षण एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक त्रिकोणात्मक प्रक्रिया होती है और वह ऐसे वातावरण का निर्माण करता है, यानी कि जब वो केंद्र बिंदु में होता है तो वो छात्रों को और पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु को जब संचालित करता है तो वो ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया की गति को आगे बढ़ाया जा सके, प्रभावी बनाया जा सके और उसको आगे अग्रसर किया जा सके। नेक्स्ट है थर्ड है नीरस विषय को सरस बनाना। किस प्रकार से? कि एक अध्यापक एक अध्यापक की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कक्षा में एक अध्यापक में उत्तम गुणों का विकास होना या उत्तम गुण होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कक्षा में अधिक से अधिक छात्रों को अपनी बात पूर्ण रूप से समझा सके, अपने विचार पूर्ण रूप से समझा सके, अपने पढ़ाई हुई विषय सामग्री को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सके। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक अध्यापक की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वो नीरस विषय को भी, बेकार लगने वाले विषय को भी, जिस विषय में छात्रों की रुचि नहीं होती है, यानी कि छात्रों को अरुचिपूर्ण लगने वाले विषय को भी सरस बनाकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसे एक
छात्र जिससे छात्र उस नीरस विषय में भी अपनी रुचि ले सके, अपनी रुचि उत्पन्न कर सके, यानी कि एक योग्य और विशेषज्ञ अध्यापक में यह गुण होना चाहिए। एक योग्य और विशेषज्ञ अध्यापक में यह गुण होना चाहिए कि वो छात्रों को जो विषय अरुचिपूर्ण लगते हैं उस अरुचिपूर्ण विषय में भी छात्रों की रुचि जागृत करके उसको सरस बना सके और छात्रों के सामने उस नीरस विषय को सरस बनाकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके, जिससे अध्यापन को सरल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ है अध्यापक शिक्षा में विशेष प्रयास। चाहे वो विद्या लेखांकन सकाय से संबंधित हो, चाहे वो
में सक्षम हो। कहने का मतलब है कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के में सक्षम हो, ऐसे में वाणिज्य विषय के अंतर्गत, वाणिज्य शास्त्र के अंतर्गत वित्तीय लेखांकन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षा का शिक्षक के लिए प्रमुख लक्ष्य रखा गया कि वो वित्तीय लेखांकन शिक्षक एक योग्य नागरिक को तैयार करे। वित्तीय लेखांकन का शिक्षक एक योग्य नागरिक को तैयार करके वित्तीय लेखांकन विषय से अधिक जोड़े। योग्य नागरिक को तैयार करके वो वित्तीय लेखांकन विषय से अधिक जोड़कर उसकी उसकी उसके उसमें एक नवीन योजना को प्रस्तुत करे। इस प्रकार से ये वित्तीय लेखांकन शिक्षक का पाठ्यक्रम, वित्तीय लेखांकन शिक्षक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार एंड धन्यवाद।